हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जेएनडी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सीवीसी वर्ड्स की वर्कशीट। सीवीसी वर्ड्स क्या होते हैं, किस तरह से प्रोनाउंस किए जाते हैं, ये सारी डिटेलिंग आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी। इससे पहले वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें शेयर की हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं सीवीसी वर्ड्स की वर्कशीट। जैसे कि मैंने प्रॉमिस करा था, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी वर्कशीट, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्लेंड्स और डायग्राफ्स। तो चलिए शुरू करते हैं ए साउंड प्रैक्टिस वर्कशीट। जिस तरह से ए साउंड की मैंने प्रैक्टिस वर्कशीट बनाई है, बिल्कुल सिमिलर आपको ई आई ओ यू इन सब की बनानी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, कंबाइन द लेटर्स एंड मेक अ वर्ड। अब बच्चों को क्या करना है, अगर हम इस तरह से थोड़ा सा बना के देंगे ना फॉर्मेट, तो उनके लिए रीड करना आसान हो जाएगा। जैसे उनको ये क्लियर होना चाहिए कि ये क्या लिखा है। दिस इज एट, एट, म एट, मैट, क एट, कैट, ह एट, हैट। इस तरह से बच्चों को अगर हम रीडिंग सिखाएंगे तो उनके लिए वर्ड्स को मिला के पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, रादर देन उनकी स्पेलिंग्स को रटना। स्पेलिंग्स को लर्न करना इट्स लाइक कि उनको एक साथ बहुत सारे वर्ड्स को याद करना पड़ता है। म एट, तो बच्चों को यहाँ पे कंबाइन करके एक वर्ड बनाना है विच इज मैट। क एट, क एट, कैट, ह एट, ह एट। ओके, बिल्कुल इसी तरह से बाकी के मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं, वो भी ऐसे ही करने हैं। जैसे यहाँ पे है एप, एप, क एप, कैप, क एप, कैप, म एप, मैप, ट एप, टैप। एक चीज बहुत क्लियर रखिएगा, जब भी बच्चों को पढ़ाएं तो प्लीज हर वर्ड का उनको मीनिंग जरूर बताएं, बस उसका मीनिंग जरूर होना चाहिए। कई बार इस तरह के हम वर्ड्स रीडिंग में बच्चों को सिखाते हैं जिनका कोई मीनिंग नहीं बनता, जस्ट लाइक हम उन्हें रीड करना सिखा रहे हैं, हम साउंड से उनको फेमिलियर कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह के वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग है, तो उनको साथ साथ हम मीनिंग बताते चलें। ओके, तो इसी तरह से हमें ई साउंड की आई ओ यू बिल्कुल इसी तरह से बनानी है। मैंने जो आज आपके लिए ये जो रेडी करा है फॉर्मेट, ये सिर्फ ए साउंड के लिए है। सो उसके बाद है स्क्रैम्बल वर्ड्स करेक्टली, मतलब मैंने जो लेटर्स को आगे पीछे लिख दिया है और बच्चे को उसको करेक्ट तरीके से लिखना है। अगर उसने प्रैक्टिस कर रखी है तो उसको रीड करना आता है, तो वो साउंड कैच करके आराम से लिखेगा। जैसे टैप, टैप, ट आ प, ट आ प, उनको ये बताना है व्हाट इज द फर्स्ट लेटर, फर्स्ट साउंड क्या है और लास्ट साउंड क्या है। अगर बच्चे ये दो साउंड करेक्टली प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उनके लिए फिर रीडिंग मुश्किल नहीं रह जाती। जैसे दिस इज हैट, तो फर्स्ट साउंड क्या है, मतलब जो जब हम हैट बोल रहे हैं तो फर्स्ट साउंड ह, हैट, ट, तो बीच में ए आएगा, तो ह, ट, ए, ह, ए, ट, हैट। इस तरह से हम बच्चों को सिखाएंगे, सो वो डेफिनेटली रीडिंग बहुत जल्दी सीखेंगे। उसके बाद बच्चों को ये इतने सारे मैंने ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं, इस तरह से ये सारे ए साउंड के हैं और बच्चे इसको इजीली बोल बोल के साउंड मिला के लिख सकते हैं। जैसे क एट, क एट, कैट, ह एट, ह एट, हैट। ओके, आगे बढ़ते हैं, राइट द नेम्स ऑफ पिक्चर्स। अब जो भी पिक्चर्स ड्रॉ हैं उनके नाम बच्चों को लिखने हैं। हैट, ह एट, हैट, क ए प, कैप, ट ए प, टैप, इस तरह से। और कोशिश कीजिएगा एट द मीन वाइल आप बच्चों को जो छोटे लेटर्स होते हैं, जो स्मॉल लेटर है, लोअर केस है, उनके साथ ही ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कराइए। क्योंकि हम जब भी रीडिंग करेंगे या बुक्स में भी हम रीडिंग करेंगे तो सबसे ज्यादा जो हमें मिलने वाले हैं वो लोअर केस लेटर मिलने वाले हैं, तो ये अच्छे से बच्चों को फेमिलियर हो जाए। उसके बाद बढ़ते हैं ब्लेंड्स की तरफ। और ब्लेंड स्टार्ट करने से पहले बच्चों को सीवीसी लेटर्स तक अच्छे से क्लियर होंगे तो ही वो ब्लेंड कर पाएंगे।
तो इसलिए सीवीसी लेटर्स अच्छे से क्लियर हो जाए, उनको रीडिंग आ जाए, उनको अच्छे से वर्कशीट्स क्लियर हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं ब्लेंड्स का। अब यहाँ पे ब्लेंड में सबसे पहले हमने ब्ल ब ल ब्ल आ क, जो ये सी और के है इट इज अ डायग्राफ, और डायग्राफ अभी मैं आगे बताऊंगी किस तरह से हमें बच्चों को सिखानी है। ब्ल आ क ब्लैक, तो ब्ल आ क, देखिए इस पोजीशन तक ना, यहां तक आते आते बच्चों को फोनिक्स क्लियर हो चुके होते हैं, उनको सारी साउंड पता होती है, सीवीसी लेटर्स, उनको वॉवल्स की साउंड क्लियर होती है, तो उनके लिए ये ब्लेंड रीड करना फिर मुश्किल नहीं रह जाता। ब्ल आ म, अब ये बच्चे पढ़ेंगे ब्ल आ म, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी साउंड बच्चों को क्लियर करनी है, ए म ए म ए। बच्चे कई बार ऐसे रीड करते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी साउंड तो ए है और इसकी ए है, तो ये तो ए में हो गया, तो यहाँ पे हमें बच्चों को थोड़ा सा प्रैक्टिस कराना पड़ता है, दिस इज नॉट ए में, दिस इज एम, तो ब्ल ए म ब्लेम। अब ये जो कंसेप्ट है ये मैं आपको फिर किसी और वीडियो में बताऊंगी कि जिस भी कॉन्सोनेंट के पीछे ई लगता है तो उसकी साउंड कैसे चेंज हो जाती है, ये कंसेप्ट मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। उसके बाद है ब्लू ब्ल यू ब्लू, उसके बाद ये एक सेकेंड एक्सरसाइज है, सिर्फ हमने ब्लेंड यहाँ रखा है और बाकी सारे वर्ड्स जो लेटर्स हैं उनको कंबाइन कर दिया है, तो ब्ल एक ब्लैक ब्ल एम ब्लेम ब्ल यू ब्लू, बिल्कुल सिमिलर मैंने बाकी के ब्लेंड्स दिए हैं, सेम एक्सरसाइज सेम सब कुछ है, सिर्फ ब्लेंड्स अलग हो गए यहाँ पे। फ्ल एप फ्लैप फ्ल इप फ्लिप फ्ल ऑप फ्लॉप फ्ल एप फ्लैप फ्ल इप फ्लिप फ्ल ऑप फ्लॉप क्ल क्ल एप क्लैप क्ल ए, दिस इज द साउंड ए, ए वाई को ए बोलेंगे, क्ल ओज एस और ई को ज बोलते हैं क्लोज, क्ल आई क्लाइंब क्लाई म म उम्ब क्लाई उम्ब क्लाइम क्ल आई क्लाई उम्ब क्लाइम। तो इसी तरह से हमें बच्चों को साउंड के साथ रीडिंग करवानी है, जितना फोनिक साउंड्स इन सब के साथ रीडिंग करवाएंगे उतना ही बच्चों को रीडिंग तो प्रैक्टिस होगी होगी, और उनमें जो किसी चीज़ को रटने की या याद करना है, सिर्फ इसको हम एक बार रट लेते हैं वर्ड्स को, डिक्टेशन के लिए बच्चे एटलीस्ट कभी भी वर्ड्स को रटेंगे नहीं, उनको साउंड से क्लियर होगा कि हमें क्या लिखना है। तो ये कुछ ब्लेंड्स हैं जिनकी एक्सरसाइजेस आपको बच्चों को करानी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्ल देन ड्र उसके बाद ग्र, और ऐसे ही बहुत सारे ब्लेंड्स आपको गूगल पे भी आप ढूंढेंगे या यूट्यूब पे ढूंढेंगे, बहुत सारी वर्कशीट्स मिल जाएंगी ब्लेंड्स पे किस तरह से आप कराने, इवन कई सारी अच्छी बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट में, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं डायग्राफ्स पे, डायग्राफ्स जो हैं जब दो लेटर मिलते हैं तो उनकी साउंड कैसे चेंज होती है यहाँ पे, जैसे मेरे पास एक अभी कमेंट भी आया था कि अगर टी की साउंड ट होती है तो हम इसको द क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि टी के साथ एच मिल जाता है तो इसकी साउंड द हो जाती है, दिस इज एस स और ह मिलके श बन जाते हैं, इसकी साउंड को हम श पढ़ते हैं श, इसकी साउंड को हम द पढ़ते हैं, इसकी साउंड को हम च पढ़ते हैं, ओके तो श ऑप शॉप श ऑप्ट शॉट श ए ड शेड श उ शू श ओ शो श ऊक शूक। इसी तरह से जब श यहाँ पे हम मतलब स्टार्टिंग में हम यूज कर रहे हैं तो श लास्ट में भी आता है, ड ई श डिश व ई श विश द एट दैट द एन देन ये दिस इज the ease these the o's
ये मैंने अभी लास्ट भी बताया, जब एस और ई मिलते हैं तो वो ज ज ज की साउंड बन जाती है। द ए दे, इनको जितना वर्ड्स को थोड़ा सा ब्रेक कर करके यानी कि तोड़ तोड़ के बच्चों को सिखाएंगे तो उनको ना दिमाग में छप जाएगा अच्छे से कि हमें इन चीजों को रीड कैसे करना है। हर बार हम ऐसे नहीं सिखाएंगे, जैसे जैसे बच्चे थोड़े से ट्रेंड होते रहेंगे रीडिंग में, हमें पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना है हर बार। जैसे बा, अब इसको बा पढ़ना है, ब आ नहीं पढ़ाएंगे हर बार, अब थोड़ा सा बच्चों को मिला के इकट्ठे पढ़ाना है कि वो एक एक लेटर ना पढ़े, अब उसको एक साथ पढ़ो। जैसे च, अब इसको इ न ऐसे नहीं, च इन चिन, च इल चिल, च एयर एयर, अलग से हम बता सकते हैं एयर का मतलब एयर, चेयर, च एन चेन, च एज बता सकते हैं, च ए ज, इसको बताया गया है कई बार, ये ज की साउंड होती है, च आई इल्ड चाइल्ड, री च रिच, मच मच। तो इस तरह से हमें डायग्राफ्स बच्चों को सिखाने हैं। आगे बढ़ते हैं, क, सी और के की साउंड क होती है, ब आ बै क ल क प क र क स क ड क रॉक रॉक डक। ये है ल की साउंड, ल थोड़ा सा जब ल बोलेंगे तो थोड़ा जोर लगा के बोलना है, टॉल टॉल, फॉल फॉल, कॉल कॉल, फिल फिल। ओके, अब यहाँ पे कई बार एक क्वेश्चन आता है कि जब हम सी के साथ ए पढ़ रहे हैं, दिस इज कै कैट, और इसको हम स पढ़ते, मतलब सी के साउंड को कब हमें स पढ़ना है और कब हमें क पढ़ना है। ओके, तो ये एक याद रखिएगा, सी के साथ जब ए लगा होता है तो हम कै क की साउंड पढ़ते हैं, सी के साथ जब ई लगा होता है तब हम स की साउंड पढ़ते हैं। उसके बाद है ब्लेंड्स की कुछ वर्कशीट, जैसे यहाँ कुछ पिक्चर छोटी छोटी ड्रॉ करी हैं और उसके हिसाब से बच्चों को ब्लेंड फिल करना है। जैसे दिस इज ब्र ब्र अ श ब्रश, ब्र ड्र ड्रॉप, ड र ड्रॉप, फिर है ट्री ट र ट्र। जब बच्चे ब्लेंड बोले ना तो उनको कहिए कि आप जो बोल रहे हो उसको ध्यान से सुनो, बार 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 बोलो, आपको समझ आएगा कि कौन से दो लेटर मिक्स हो रहे हैं। ग्रास ग्रा 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 ग्रा, धीरे बोलो, ग्रा बोलना है धीरे बोलो, ग्रा ग्रा, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि हमें क्या लिखना है। ग्रेप्स ग्रेप्स तो बच्चों को ज्यादातर पता ही होता है। उसके बाद है फ्लैग, फ्लै फ्लैग, फिर आते हैं डायग्राफ्स, जैसे ड अ क, तो बच्चे यहाँ क्या करेंगे, ये लिखेंगे, फिर हम उन्हें याद दिलाएंगे नहीं हम डायग्राफ्स की बात करें, यहाँ दो लेटर मिक्स होने वाले हैं। सो दिस इज सी के डक रॉक रॉक, फी श, श की साउंड किससे आती है, श की साउंड है सेच, व्हील व व, डब्ल्यू और एच मिलके व बनाते, व व के साथ हल्की सी ह की साउंड आती है। थ्रेड थ, किंग की, उंग उंग, अंग अंग, किंग। सो ये थे आज के इन्फोज, जो थी ब्लेंड्स और डायग्राफ्स की वर्कशीट और साथ में सीबीसी की वर्कशीट, और आई होप आपको ये चीजें बच्चों को सिखाने में अब आसानी हो, क्लियर हो गई हो। और फिर भी कोई भी कैसी भी क्वेरी हो, कोई टॉपिक हो जो अभी भी लग रहा है कि नहीं यार दिस इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, कि मैं बच्चे को नहीं समझा पा रही हूँ, वो कैच नहीं कर पा रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन ना आपके लिए ही है, अपनी जो भी प्रॉब्लम है पढ़ाई से रिलेटेड बच्चों की आप कमेंट सेक्शन में डालो, मैं उसको हर वीडियो में कोशिश करूंगी कि किसी किसी का कमेंट और उनकी प्रॉब्लम्स को साथ साथ सॉर्ट करती चलूं, क्योंकि हर टॉपिक पे वीडियो बना के चलेंगे तो कोर्स हमारा रह जाएगा, हमें कोर्स पूरा करना है फटाफट से। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी प्रीवियस कमेंट्स की, तो मैं उनकी प्रॉब्लम्स को वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं डिस्कस करूंगी और उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करेंगे या फिर वीडियो के एंड में शेयर कर लेंगे, लेकिन जरूर करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम
जरूर नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो कमेंट करना ना भूलें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।